हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ पौलमी एंड वेलकम टू माय चैनल बाइफोकल जिंदगी। देख सकते हो अभी रेडी होके बाहर हूँ, जा रहे हैं हम लोग ब्रेकफास्ट करने दोनों। आज घर पे कुछ नहीं बनाया, मनोजीत का भी छुट्टी है, इसलिए हम दोनों बाहर ही जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो सोचा ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ, चलिए चलते हैं, क्या खाते हैं आपके साथ शेयर करेंगे। हमने ऑर्डर किया है उपमा और यहाँ पे है मेदू बड़ा। तो उपमा मुझे बहुत पसंद है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए उपमा ऑर्डर किया। और मेदू बड़ा मनोजीत ने लिया है और साथ में मिसल पाव भी हमने ऑर्डर किया है। और ये एक घर के सामने मेरा एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका खाना बहुत ही अच्छा है। कैसा लग रहा है? और ये आ गया है मिसल पाव, ये भी बहुत ही टेस्टी था खाने में। अच्छा है ये भी। निकल गए हम लोग और अभी जा रहे हैं थोड़ा बाज़ार करने, मतलब फ़िश वगैरह ख़रीदना है, तो इसलिए जा रहे हैं। बहुत धूप है बाहर, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। ये रहे, और आप लोग हमें देख के समझ सकते हो कितना धूप है अभी बाहर। तो चलिए चलते हैं। बहुत टाइम बाद अभी कैमरा हाथ में लिया है, बाजार करके आके उसके बाद थोड़ा काम था घर पे, इसलिए मैंने और शूट वगैरह नहीं किया है। और अभी फ़िश विश लेके आए हैं, तो अभी फ़िश करी बन रहा है और आज मैं नहीं बना रही हूँ, मनोजीत बना रहा है। तो दिखाती हूँ आपको कि कैसा बन रहा है। ये यहाँ पे है फिश फ्राई, फिश को फ्राई करके रखा है। और यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह फ्राई हो रहा है, सीम, आलू और टमेटो, प्याज और कलौंजी डाल के यहाँ पे मसाला को फ्राई करके उसके बाद फिश डाल के वो होगा, करी होगा। और यहाँ पे है करेला भाजी। तो आज हमारा सिंपल सा लंच मेनू है, क्योंकि हम लोगों को और भी बहुत काम है, तो ज़्यादा खाना बनाने लगेंगे तो वो सब नहीं होगा, इसलिए हमने मेनू एकदम सिंपल रखा है। तो यही है हमारा लंच, और शेफ आज मनोजीत है, वो बना रहा है खाना। तो मुझे थोड़ा छुट्टी मिल गया, मैं बाकी का काम कर रही हूँ। तो ठीक है, खाने के टाइम या फिर थोड़ी देर में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। हे गाइस, शाम से फिर से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। दोपहर में लंच वंच किया वो सब, और फिर ब्लॉग नहीं बनाया। अभी देखिए रेडी हो चुकी हूँ और जा रही हूँ थोड़ा बाहर, थोड़ा छोटा मोटा मार्केटिंग करना है, तो उसी के लिए शायद बांद्रा जाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। तो और ये रहा मनोजीत यहाँ पे। तो अभी हम लोग निकल जाएंगे और आपको भी घुमा के लाते हैं, तो चलिए हमारे साथ। तो बांद्रा पहुँच के हमने ऑटो ले लिया और हमें जाना है हिल रोड मार्केट, तो इसलिए ऑटो ले लिया। हम लोगों को आते ना काफ़ी लेट हो चुका है, और मतलब बाहर घर से निकलने में भी लेट हो गया, फिर पहुंचने में भी लेट हो गया। तो अभी जा रहे हैं हम लोग। आ गए हैं हम लोग मार्केट में, तो देखते हैं अभी क्या क्या मिलता है। यहाँ पे
काफ़ी सारे स्ट्रीट शॉप्स लगे हुए थे, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि हम लोगों को आने में काफ़ी लेट हो चुका है, तो इसलिए मतलब उतना जैसे रहता है ना चहल पहल, वो थोड़ा कम था। शॉप्स वगैरह काफ़ी कुछ नहीं था उस टाइम पे। दिन में आते तो और अच्छा मिलता, लेकिन हम लोगों को आने में लेट हो गया। और ये देखिए क्रिसमस के लिए भी अभी सजने लगा है और डेकोरेशन वगैरह सारे शॉप्स में आने लगे हैं, तो अच्छा ही लगा। वैसे मुझे थोड़ा बहुत जो भी शॉपिंग करना था वो मैंने किया यहाँ से। हो गया मेरा शॉपिंग, सब कुछ नहीं मिला, कुछ कुछ मिला, कुछ कुछ नहीं मिला। रात हो चुका है काफ़ी और हमें आने में लेट हो गया था, इसलिए तो अभी जा रहे हैं वापस, घर जाएंगे अभी। हम दोनों अभी ट्रेन में बैठे हुए हैं और बांद्रा से तो निकल के आ गए, तो अभी जा रहे हैं चर्च गेट। वहाँ पे थोड़ा सोच रहे हैं मरीन ड्राइव में कुछ देर बैठेंगे, और काफ़ी रात हो चुका है, लेकिन रात में मरीन ड्राइव में बैठने का मज़ा ही अलग है, तो इसलिए थोड़ा बैठेंगे, उसके बाद वापस घर चले जाएंगे। तो ट्रेन पूरा आप देख सकते हो खाली हो गया है, और यहाँ पर ये अभी हम लोग आके रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, रात का डिनर करेंगे इसलिए। तो कुछ कुछ मोनोजीत ने ऑर्डर किया है, क्या किया है आने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं। डिनर करना है, बहुत भूख लगा है इसलिए। ये रहे मिस्टर मोनोजीत, चर्चगेट आ गए। अब कुछ खाना खा के उसके बाद हम लोग जाएंगे मरीन ड्राइव देखें और बैठने के लिए आराम से। आप भी बने रहिए और एंजॉय करिए, हम क्या खाते हैं वो देखिए। बाय। हमने ऑर्डर किया है बटर चिकन और लच्छा पराठा, बहुत ही अच्छा बना था। बहुत टेस्टी है इसका मजा। Hey guys, आज next day मैं आपसे फिर से मिल रही हूँ। कल रात को आते आते काफ़ी लेट हो चुका था, इसलिए और मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई। इतना लेट हो गया था और इतना थक भी चुकी थी कि आके मतलब जल्दी से फ्रेश होके सोने चली गई। तो आज सुबह फिर मैंने सोचा कि ब्लॉग को एंड तो कर दूँ। तो कल का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताना। हमने जो भी किया कल, मतलब जितना घूमे और जहाँ भी गए, वही आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश किया। तो कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और उसके पास जो बेल बटन है उसको भी हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलूंगी फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, एंड कीप वॉचिंग बाइफोकल जिंदगी।